हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं पढ़ाने आई हूँ सेवेंथ की साइंस, जिसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है पादपों में पोषण। ठीक है, और आपको बता दें कि जो चैप्टर है दो पार्ट्स में होगा। इस चैप्टर में आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा और दूसरे पार्ट में आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो देख लीजिए आप। तो भाई, हमें बताना ये है कि आजकल हमारे चैनल पे ना बम्पर ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक महीने तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक दिन में कम से कम 15 लोगों को शेयर करना है, 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। इससे कम मत करिएगा, इससे कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। जो टॉप 10 लोग होंगे जिन्होंने 30 जुलाई तक सबसे ज़्यादा शेयर किए होंगे, उनको ये गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और आपको बता दें, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। बस इतनी सी जानकारी देनी है और बाकी की जो डिटेल होगी वो चैप्टर के बाद में बताई जाएगी। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपने देख लिया होगा, ठीक है, और समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो चलिए लेसन जो है वो शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है पादपों में पोषण। तो ये कह रहे हैं कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। मतलब कक्षा 6 में जो लेसन था, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कि भोजन जो होता है सभी के लिए आवश्यक है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज जो होते हैं भोजन के घटक हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये जो होते हैं हमारे भोजन के क्या हैं, घटक हैं, हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। और भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी कक्षा 6 में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। आप समझ गए ना। और सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, मतलब जो भी जीव हैं सभी जो जीव होते हैं सबको क्या आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और पादप, जिन्हें हम पौधे कहते हैं, स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। मतलब पौधे जो होते हैं स्वयं के लिए भोजन तो बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। मतलब मानव के सहित जो भी प्राणी हैं, जैसे जीव जंतु वगैरह, हमारे एनिमल्स वगैरह हैं, हमारे जो प्राणी हैं, ह्यूमन हैं, ठीक है, ये जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, पर पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। वे पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब प्राणी क्या करते हैं, अपने पेड़ पौधे से ही और या जंतुओं से, मतलब जानवरों से अपना भोजन जो करते हैं प्राप्त करते हैं। मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है। मतलब प्राणी जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेड़ों पे ही निर्भर रहता है। मतलब हम दाल खाते हैं वो भी पेड़ों से आती है, चावल खाते हैं वो भी पेड़ों से आती है, आटा आता है, रोटी बनती है वो भी हमारे पेड़ों से ही आती है, फ्रूट्स खाते हैं वो भी हमारे पेड़ों से आते हैं। सब कुछ जो होता है हम पादपों पे ही निर्भर करते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं, जैसे कि वो नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, वो जंतुओं पे निर्भर करते हैं। मतलब वो जंतुओं खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, पक्षी खाते हैं, भैंस खाते हैं, अजीब पता नहीं क्या क्या खाते हैं यार। ठीक है, तो ये लड़का है बुजो, क्या कहता है, बुजो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। पादप जो होते हैं, मतलब पौधे जो, ठीक है, पौधे के हाथ पैर भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, तो खाना कैसे बनाते होंगे ये सोच रहा हो। तो आइए आपको बताते हैं पादपों में पोषण विधि। किसकी पोषण विधि, पादपों में पोषण विधि। पीछे जो साउंड हो रहा है, ठीक है, उसे आप परेशान मत होइएगा, आप लेसन पे गौर करिए। ठीक है, पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव होते हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। मतलब पादप, मतलब पौधे ही, केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं। और इन्होंने पौधों को जीव क्यों कहा है, इसके लिए आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएंगे। पहले अपना चैप्टर जो है थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि पादप ही एक ऐसे जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज की सहायता से क्या बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये सब चीज़ें हमारे परिवेश में उपस्थित, देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे परिवेश में है, जल भी हमारे परिवेश में है और खनिज भी हमारे परिवेश में ही है। ठीक है, फिर ये कहते हैं पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। मतलब क्या कहते हैं, ये पोषक पदार्थ जो होते हैं सजीवों की शारीरिक संरचना जो होती है, उनकी वृद्धि जो होती है,
उनके जो क्षतिग्रस्त भाग होते हैं, मतलब जैसे कि चोट वगैरह लग गई, हमारे शरीर में कोई कमी हो गई, उसके रखरखाव के लिए ये पोषक पदार्थ जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, मतलब ये पोषक पदार्थ जो होते हैं हमको ऊर्जा भी देते हैं। फिर ये कहते हैं सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। मतलब जो जीव जो होते हैं, ठीक है, ये जो भोजन ग्रहण करते हैं इसी को क्या कहते हैं, पोषक वाला जो भोजन ग्रहण करते हैं इसको पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहलाती है। तो मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेती है उसे स्वपोषण कहते हैं। मतलब पोषण की वह विधि, पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, मतलब स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, स्वयं ही खा लेते हैं, उसको स्वपोषण कहते हैं। अतः फिर क्या कहते हैं, अतः ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, सुपोषी कहते हैं। मतलब जो अपना भोजन स्वयं ही सुपोषित कर लेते हैं उन्हें सुपोषी कहते हैं। संश्लेषित, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं उन्हें सुपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। मतलब जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव जो होते हैं पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। मतलब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि पादपों द्वारा बना हुआ जो भोजन है हम उसको ग्रहण करते हैं तो हम विषमपोषी हो गए। तो हमने अपना भोजन स्वयं नहीं बनाया, हमने किसका भोजन लिया भाई, हमने पेड़ पौधों का भोजन लिया है, तो उसे क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। तो पहली जो लड़की है इसका नाम पहली है, ये क्या जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। भाई हम ये सोच रही है कि हमारे आसपास भी सब कुछ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, खनिज है, तो हम अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाते, हम क्यों पौधे पर निर्भर हैं, हम क्यों जंतुओं को खाते हैं, ये सोच रही है। तो कहती है कि पादपों को खाद फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं, तो पादपों की खाद फैक्ट्रियाँ, मतलब कि पौधे जो होते हैं हमको तो वैसे के वैसे दिखते हैं, हमको क्यों नहीं दिखता कि वो खाना कहाँ पे बनाते हैं, कहाँ पे खाते हैं, कैसे क्या करते हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। वो सोच रहे कि पौधे जो खाना खाते हैं कि उनके पूरे भागों में वो खाना जाता है कि कुछ एक हिस्से में, जैसे हमारा खाना जो होता है पेट में जाता है लेकिन उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। कैसे फैलते हैं, जल के माध्यम से, ठीक है, ये आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, सॉरी पिछली कक्षा छः में पढ़ाया है, ठीक है ना, आपकी क्लास में नहीं है, अगर आपने कक्षा छः में पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको याद होगा, अगर नहीं आपको फिर भी आपको पढ़ना है तो आप उसमें जा सकते हैं, कक्षा छः की भी वीडियो पढ़ी आप देख सकते हैं। तो फिर कहते हैं कि पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। मतलब ये बेचारी परेशान है, बच्ची पहली परेशान है कि कैसे बनाते हैं पेड़ पौधे खाना, कैसे बनाते हैं, उनका खाना कहाँ जाता है, किधर जाता है, कैसे क्या करते हैं, वो बहुत परेशान है। फिर क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण पदार्थों में खाद संश्लेषण का प्रक्रम, क्या प्रकाश संश्लेषण और पादपों में खाद संश्लेषण का प्रक्रम हमको समझाया गया है। इसमें क्या है, पत्तियाँ पादप की खाद फैक्ट्रियाँ हैं, तो पत्तियाँ क्या है, पादप की खाद फैक्ट्रियाँ हैं, तो इसका एक आंसर तो मिल गया। तो पत्तियाँ क्या हैं, पत्तियाँ जो होती हैं पादप की खाद फैक्ट्रियाँ हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए, मतलब जो भी कच्चे पदार्थ हैं उसकी पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जल द्वारा अवशोषित किए, मतलब जो मृदा में उपस्थित जो जल और खनिज होते हैं वो जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मतलब खनिज और जल कहाँ से मिलता है पेड़ को, वो जड़ों से मिलता है। जल जड़ जो होती हैं वो जमीन से जो पानी वगैरह होते हैं उनको लेती हैं और साथ में खनिज को भी लेते हैं। अब ये बूझो आ गया, बूझो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचता है। अब ये कहता है कि भाई चलो ठीक है, जड़ ने ले लिया, खनिज ले लिया, जल भी ले लिया, लेकिन पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। जैसे कि हम में तो नसें होती हैं, वेंस होते हैं हम में, तो खून इधर उधर से यानी वेंस की सहायता से पहुंच जाता है, पर पेड़ों में कैसे पहुंचता है ये वो सोच रहा है। फिर तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक तो पहुंचाए जाते हैं, क्या कहते हैं कि अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। मतलब तो ये जो जो पोषक तत्व, मतलब इनका जो जल और खनिज जो है वो कैसे पहुँचता है, तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचता है। कैसे पहुँचता है, तने के माध्यम से। तना क्या होता है आपको ये भी बता दें, जैसे कि हमारा पेड़ है, पेड़ के नीचे क्या होती है, जड़ होती है, और ये हमारा पेड़ होता है, तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा तना होता है, ठीक है।
तो तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचती हैं। पत्तियों की तरह ही उपस्थित उस सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और पत्ती के की सतह पर उपस्थित जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं, जैसे कि हमारी ये पत्ती है, ठीक है, इस पर सूक्ष्म रंध्र होते हैं, ठीक है, जो हमको दिखते नहीं हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, ठीक है, जो छेद होते हैं, रंध्र बोलते हैं, ये हमको नहीं दिखते हैं पर होते हैं, ठीक है। ऐसे पत्तियों में होते हैं सूक्ष्म रंध्र होते हैं जिनसे क्या होता है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्रवेश करती है, ठीक है। हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है, मतलब कि ऑक्सीजन कैसे आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है, रंध्रों से नहीं आती है, ये आती है हमारे सांस के द्वारा, पर इनको में इनमें क्या होता है, पत्तियों से आती है। अभी इन्होंने चित्र एक दिखाया है, पहले वो देख लेते हैं। कोशिका का आरेख चित्र, ये कोशिका का आरेख चित्र दिया है, जैसे कि इन्होंने इसमें क्या दिखाया है कि ये जो गोल गोल बना है छोटा सा, वो हमारा क्या है, केंद्रक, और ये द्रव्य जो है वो कोशिका द्रव्य है, और ये जो झिल्ली बनी है ये ब्लैक कलर की, वो हमारी कोशिका झिल्ली है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चित्र, अब इसको पढ़ लेते हैं। अभी इसमें कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं क्या हैं, आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, मतलब हमने तो देखा ही, कोई भी घर हो, इमारत हो, कोई भी चीज़ होती है वो ईंटों से ही बनती है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर जो होता है सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, मतलब जो सजीव का मतलब जो भी जीवित है, मैं पेड़ पौधे, जंतु, कोई भी प्राणी, मनुष्य, ठीक है, ये सब जीव होता है, उनका शरीर भी सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। घर हमारी ईंटों से बनते हैं, पर हमारा जो शरीर होता है सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती है। तो इन सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये चित्र दिखाया गया है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इन कोशिकाओं को हम ऐसे नहीं देख सकते हैं कि हमने देख लिया अपनी आँखों से, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, इनको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, और कोशिका की पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। कोशिका जो होते हैं बाहरी जो ब्लैक कलर की संरचना है इससे घिरी होती है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर की लाइंस थी उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ये इससे घिरी होती है। फिर कहते हैं कि इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसे केंद्र कहते हैं, मतलब इसके में क्या होती है, एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो बीच में गोला बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, मतलब केंद्रक के जो बाहर जो स्थान होता है उसको, ये जो स्थान है ये इसमें जेली टाइप में होता है, उसको क्या कहते हैं, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। फिर है कि यह फिर क्या है, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये जो रंध्र होते हैं हमारे किससे घिरे होते हैं, द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। जल और खनिज जो होते हैं वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं, किसके द्वारा पहुँचाए जाते हैं, जल और खनिज जो होते हैं वाहिकाएँ, मतलब उनकी भी एक वाहिकाएँ, उनमें भी वाहिकाएँ होती हैं, जैसे हमारे शरीर में वेन्स वगैरह, नसें होती हैं, धमनियाँ होती हैं, ऐसे इनमें वाहिकाएँ द्वारा वाहिकाएँ होती हैं, उनसे क्या किया जाता है, पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। क्या पहुँचाया जाता है, जल और खनिज। फिर ये वाहिकाएँ नली के समान होती हैं, तो ये वाहिकाएँ किसके समान होती हैं, नली के समान होती हैं, तथा जड़, तना, शाखाओं तक, पत्तियों तक फैली होती हैं, तो मतलब हर जगह फैली होती हैं, जड़ में भी होती हैं वही वाहिकाएँ, तने में भी होती हैं, शाखाओं में भी होती हैं, और पत्तियों में भी होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचने के लिए ये वाहिकाएँ एक सतत मार्ग बनाती हैं, क्या बनाती हैं, एक अपना मार्ग बना लेती हैं, सतत मार्ग मतलब एक सीधा, मतलब एक मार्ग अपना बनाती हैं, अपना एक रास्ता बना लेती हैं। पादपों में ऐसे पदार्थों के परिवहन विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे, मतलब इस तरीके की जो बात है वो हम जो अध्याय 11 है उसमें पढ़ेंगे। बीच में आपको तो 30 सेकंड के लिए एक बात बताना चाहते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू, अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। और आपको अगर और बाकी की क्लासेस देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जब आप चैनल पर जाएंगे आपको हमारे तीन और चैनल मिलेंगे, पहला है जोजस क्रिस्टमस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। आपको ये चैनल भी सब्सक्राइब करने हैं, ये क्रिएटिव चैनल हैं जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो इनके इन चैनल्स में क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आइए, अब पहली आ गई। पहली कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि पत्तियों में ऐसे क्या विशेषता है होती है कि वे खाद्य पदार्थों को संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं।
मतलब ये कहते हैं पत्तियों में ही ऐसी क्यों विशेषता होती है कि वो जो खाद्य पदार्थ वो होते हैं उनको संश्लेषण कर लेती हैं, परंतु पादप के जो दूसरे भाग मतलब पौधे का जो दूसरा भाग होता है वो नहीं कर पाता। मतलब इसके कहने का मतलब है पत्तियों में ही फैक्ट्री क्यों होती है, फूड फैक्ट्री क्यों होती है, तो ये जानना चाहती हूँ। तो इसकी बात देख रहा है क्या बताते हैं, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। तो पत्तियों में हरा वर्णक होता है मतलब हमारा जो पेड़ होता है हरा भाग, जब पेड़ हमारा छोटा होता है तो उसमें जब बहुत छोटा होता है तब उसकी जो तना होता है तब ग्रीन होता है, लेकिन जब पेड़ हमारा बड़ा होने लगता है उसका तना जो होता है वो ब्राउन कलर का होने लगता है और पत्तियां हमारी हमेशा ही ग्रीन ही रहती हैं। मतलब उनमें पत्तियों में क्या होता है, हरा वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश जिसे सौर प्रकाश कहते हैं की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में क्या करता है, ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में, किसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ठीक है, तो वही जो पत्तियों का जो हरा कलर होता है वो सूर्य जब हमारा निकलता है तो सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसको संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ये जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग ये कहाँ करते हैं, तो ये जो ऊर्जा ये लेते हैं सूर्य के प्रकाश से, तो इसका उपयोग क्या करते हैं, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद संश्लेषण में होता है। इसका उपयोग, इस ऊर्जा का उपयोग जो होता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसके खाद संश्लेषण में करते हैं, क्योंकि खाद संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और खाद संश्लेषण कब होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है खाद संश्लेषण कब होता है, तो खाद संश्लेषण जो होता है वो हमारे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। मतलब ये इस बात का मतलब ये है जो पौधे जो होते हैं अपना खाना सिर्फ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही बनाते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो मतलब इसी प्रक्रिया को, इसलिए मतलब जो खाने बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर मतलब ये कह रहे हैं था मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल आवश्यक है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो खनिज हैं वो आवश्यक है, ये सब चीज़ें जो हैं आवश्यक हैं। फिर ये कहते हैं कि इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, मतलब ये एक अनोखी बात है। ठीक है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। तो पत्तियां क्या करती हैं, सौर ऊर्जा जो होती है उसको संग्रहित करती हैं, संग्रहित का मतलब इकट्ठा करती हैं सौर की जो ऊर्जा होती है उसको, ठीक है, फिर क्या करती हैं, पादप में खाद के रूप में, और वो जो हमारे पौधे में खाद के रूप में संचित होती रहती है, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जल और खनिज के साथ। ठीक है, तो उनका एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके बाद ही हमारा उनका खाद बनता है। ठीक है, खाद मतलब उनका फूड बनता है। ठीक है, अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। मतलब कोई भी जीव, हमारे लिए भी सूर्य की ऊर्जा आवश्यक है। आप कहोगे हमारे लिए सूर्य की ऊर्जा क्यों आवश्यक है, तो हम विटामिन डी जो होता है हमको सूर्य की रोशनी में ही मिलता है। ठीक है, और सूर्य नहीं होगा तो दुनिया भी नहीं होगी, आप भी सोच सकते हो। फिर आगे क्या कह रहे हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। भाई प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे अपना खाना नहीं बनाएंगे, तो पौधे अपना खाना नहीं बनाएंगे तो पौधे सांस नहीं ले पाएंगे, न जी पाएंगे, तो मतलब पौधे होंगे ही नहीं। जब पौधे नहीं होंगे तो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी, तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग जियेंगे कैसे, मतलब पूरी दुनिया होगी ही नहीं। ठीक है, और आपको बता दे भाई पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, पढ़ाने में भी मेहनत लगती है, साथ में पढ़ाने के बाद वीडियो को मैनेज करने में, एडिट करने में, उसके बाद उसको अपलोड करने में, पूरा मटेरियल डालने में बहुत मेहनत लगती है। तो भाई मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ, कुछ नहीं चाहती हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि मेरी गुरु दक्षिणा दे दीजिए। भाई गुरु दक्षिणा सुनने का मतलब ये नहीं, गुरु दक्षिणा का मतलब ये नहीं कि मुझे आपसे किसी तरह का कोई पैसा चाहिए। मैं ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, बस आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को सेंड करिए, हमारे चैनल के बारे में बताइए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, बस आप इतना कर दीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो आए तो ही लाइक करना, वरना लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं, पसंद आए तो ही लाइक करना, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,
फिर ये क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। भाई जो मैंने बताया, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो उनको खाना नहीं मिलेगा, और सभी जीवों का अस्तित्व जो होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर करता है, पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है, या कह लें पौधों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। भाई प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या निर्मित होती है, ऑक्सीजन निर्मित होगी, ठीक है। फिर कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के अनुपस्थित में पृथ्वी का जीवन की कल्पना असंभव है। जैसे फिर उन्होंने वही बात बताई जो मैंने अपने शब्दों में आपको बताई। फिर यह कह रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण के द्वारा बता सकते हैं, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो एक रासायनिक क्रिया होती है वो चलती है, वो इन्होंने दिखाई है। क्या चलती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में हमारा जल है और सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश कब चाहिए, क्लोरोफिल को चाहिए, ठीक है, मतलब हमारी पत्तियाँ हैं उनको चाहिए, ठीक है। तो इस उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो जल के साथ क्रिया करता है कि कब करता है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो वो बनाता क्या है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है और साथ में ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो किसकी उपस्थिति में ये सब होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। कौन करता है ये क्रिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर करते हैं। तो हमको क्या प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब यहाँ पे इस बोल रहे हैं, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, मतलब ऑक्सीजन निकलती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में संचित हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे पौधों में मंड के रूप में संचित हो जाता है। अब जैसे कि इन्होंने एक आपको चित्र दिखाया है, पहले आपको ये दिखा देते हैं लिखा क्या है यहाँ पे। ये कहते हैं क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए पत्ती का काटे चित्र, तो पत्ती का काटे चित्र दिखाया है, ठीक है। तो ये ग्रीन 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 ये क्या है, ये ही तो हमारा पत्तियों में क्लोरोफिल है। और ये जो ये जैसे कि ये जो हमारा बना है ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो ये इनके बीच जो ये है ये क्या कहला रहा है, द्वार कोशिकाएं हैं। और ये बीच में जो छेद है, मतलब ये जो ये इस तरीके की संरचना बनी है, ये हमारे द्वार हैं। और ये इनके बीच में, इनके बीच का जो हिस्सा है वो क्या हमारा है, रंध्र, ठीक है। ये हमारा बीच का हिस्सा क्या है, रंध्र। अब यहाँ पर इन्होंने एक पत्ती दिखाई है, फिर से आपको बता देते हैं। देखो भाई ये ग्रीन वाले जो हिस्से हैं ये हमारे क्या हैं, क्लोरोफिल हैं, ठीक, ये हमारे क्लोरोफिल हैं। और ये बीच में जो हिस्सा होता है जो खाली है वो हमारा रंध्र है। और रंध्र के पास के जो जैसे कि कोई गेट है, आपको दिखाते हैं, कोई गेट है ये, ठीक है, गेट में ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा वो हमारा रंध्र है। और ये हमारे दो गेट लगे हैं, इनको क्या कहेंगे, द्वार। द्वार का मीन्स ही गेट होता है, तो द्वार कोशिकाएँ हो गई ये। अब इन्होंने पत्ती दिखाई है, ये पत्ती हमारी है, पत्ती का ये वाला हिस्सा इन्होंने दिखाया है, साइड वाला। तो जैसे कि इन्होंने ये दिखाया है, ये हमारा क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं। और अंदर वाला हिस्सा क्या है, रंध्र द्वार, क्या है, रंध्री द्वार। ये वाला अंदर वाला जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, जूम कर देते हैं, तो अंदर वाला हिस्सा क्या है, ये जो हिस्सा है हमारा द्वार कोशिकाएं हैं। और ये अंदर वाला हिस्सा क्या है, रंध्री द्वार, ठीक है। और चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, तो आगे है, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दिखाता है। मतलब जब पत्ती में स्टार्च बन जाता है तो इसका मतलब है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो संपन्न हो गई। मतलब स्टार्च का जो बनना, मतलब स्टार्च बन गया तो समझ लो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो पूरी हो गई। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि उन्होंने सूर्य हमें दिखाया, सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ रहा है, पत्तियों पे पड़ रहा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे कहाँ है, हमारे वातावरण में, हमारे वेदर में, ठीक है, मतलब हमारे आसपास हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इसने ले ली। और जल और खनिज कहाँ से ले रहा है, जड़ों से ले रहा है। और पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और हमको मिल क्या रहा है, देखो आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सौर की ऊर्जा आ रही है,
कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और जा क्या रहा है, ऑक्सीजन, मतलब हमको मिलता क्या है, ऑक्सीजन मिलती है और कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब इधर पढ़ाना है हमको। तो अभी बूझो आ गए हैं भाई, बूझो क्या कहते हैं देखते हैं इनकी, इनको क्या कन्फ्यूजन है। बूझो कहते हैं, बूझो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियाँ गहरी लाल, बैंगनी, भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। भाई मतलब क्या होता है कि अक्सर पत्तियाँ, अक्सर क्या, 90% 95% पत्तियाँ जो होती हैं हमारी ग्रीन होती हैं, पर ये कह रहा है कुछ पत्तियाँ जो होती हैं वो लाल भी होती हैं, बैंगनी भी होती हैं, भूरे रंग की हुई होती हैं, तो वो भी क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, या उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं होगी, उनमें क्लोरोफिल ही नहीं होगा, ग्रीन नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं होगा। तो आइए आपको जवाब देते हैं क्या है। ये कहते हैं, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब ये कह रहे हैं पत्तियों के अधिक जो उसके दूसरे हरे भाग होते हैं, सिर्फ पत्तियां ही नहीं जो भी हरा भाग है उसका, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहती है। मरुस्थली पादपों में वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल कक्षा सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। मतलब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कोई चित्र तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। क्या होता है, आपने क्रैक्टस का पेड़ तो देखा होगा, कांटे वाला पेड़, उसमें क्या होता है वो ऐसी जगह पे होते हैं मोस्टली का वो ऐसी जगह के लिए ही होते हैं। हम अपने घर में लगा ले वो बात अलग है, वो ऐसी जगह के लिए होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ धूप बहुत ज़्यादा होती है तो पानी की कमी हो जाएगी। तो पत्तियाँ क्या करती हैं, वो ज़्यादा जल सोखती हैं। पत्तियों का काम होता है, मतलब जड़ों का काम होता है जल को सोखना, वो पत्तियों में भी यूज होता है खाना बनाने के लिए। ठीक है, पर ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी ही कम है, ऊपर से सूर्य की रोशनी भी बहुत ज़्यादा है रेगिस्तानी इलाकों में, ठीक है, रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं पत्तियाँ जो होती हैं अपना रूप ही चेंज कर देती हैं। वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं, वो पत्तियाँ शल्क और शूल रूपी हो जाती हैं, मतलब कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो पत्तियाँ जो होती हैं, आपने करेक्टस का पेड़ देखा होगा, छोटे छोटे कांटे निकले होते हैं उनमें, ठीक है, तो वो कांटे जो होते हैं पत्तियों का ही रूप होते हैं। और करेक्टस जो होता है वो कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो मतलब खाना कौन बनाएगा, वो करेक्टस का जो हरा वाला भाग होता है, कोई पेड़ का कोई भी हरा वाला भाग हो वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो खाना कैसे बनाते होंगे, ठीक है। और क्या होता है गर्म वाले इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अभी उन्होंने क्रियाकलाप दिया है, पहला क्रियाकलाप है देखते क्या है। एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लेना है हमको, मतलब एक ही प्रकार के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनके दो गमले लेना है, एक को अंधकार में मतलब या काले बॉक्स में रख दिया, 72 घंटों के लिए उन्होंने रख दिया, ठीक है, 72 घंटों के लिए अंधकार में रख दिया या किसी बॉक्स में रख दिया, काले बॉक्स में। तो दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखा है, दूसरे को कहाँ रखा है, सूर्य के प्रकाश में रखा है। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया। तो कक्षा 6 में आयोडीन परीक्षण उन्होंने कैसे किया था, आपको याद है? अगर आपको नहीं याद है तो जाइए कक्षा 6 की वीडियो देखिए, चैप्टर 3 देखिए, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा, मैं अभी बताने वाले नहीं हूँ, ठीक है। तो आयोडीन का परीक्षण किया इन्होंने, फिर क्या किया, अपने अवलोकनों को नोट किया इन्होंने, मतलब दोनों जो, एक को काले बॉक्स में रखा, एक को सूर्य के प्रकाश में रखा, फिर उनकी पत्तियों का परीक्षण किया, ठीक है, ठीक है, कौन सा परीक्षण किया, पत्तियों में आयोडीन परीक्षण किया। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, पुनः इसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए, अपने परीक्षण को नोट करिए। मतलब कह रहे हैं कि पहले तो काले बॉक्स में रखा, तब उसकी पत्तियों का परीक्षण किया, फिर उसके बाद उसी पेड़ को, काले बॉक्स में जो पेड़ रखा था उसको उन्होंने धूप में रख दिया, ठीक है, फिर उसकी पत्तियों का परीक्षण किया, फिर अंतर देखना है कि क्या असर होता है। फिर ये कहते हैं हरी पत्तियों के अतिरिक्त, सॉरी ये कहते हैं हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण, मतलब अन्य वर्ण का मतलब रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे तथा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अर्थात ढक देते हैं, इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो वो जो पहली ने क्वेश्चन पूछा था
जिनकी पत्तियां जो होती हैं वो हरे कलर की नहीं होती, अलग अलग कलर के होते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं कि नहीं। तो ये कह रहे हैं कि उन पत्तियों में भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, उन पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, पर उनके जो रंग होते हैं वो इनमें उपस्थित, उनके जो रंग होते हैं लाल भूरे, ये क्लोरोफिल के रंग को क्या कर देते हैं, प्रच्छादन कर देते हैं, मतलब उनको ढक लेते हैं, मतलब इस कलर को वो छुपा लेते हैं, पर उनमें भी क्लोरोफिल होता है, मतलब उनमें क्लोरोफिल होता है, तो मतलब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होते हैं वो करते हैं। फिर आगे है, इन्होंने कहा, आपने गीली दीवार पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी, मतलब काई जैसे पादप, मतलब काई जो लगी होती है ना, कहीं कभी कभी दीवारों पे लग जाती है, कभी कभी कुएं आदि के पास लग जाती है काई, काई तो आपने देखी होगी ना, तो उसी काई की बात कर रहे हैं, ग्रीन कलर की। ये समानतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं, मतलब वो जो काई लगती है उनमें किसकी वृद्धि के कारण वो बनती है, शैवाल के कारण। फिर कह रहे हैं, क्या आप कल्पना, किस चीज़ की कल्पना, आइए अभी पत्ती आपको दिखाएंगे, डोंट वरी, कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों हो जाता है, मतलब ये जो काई होती है इसका रंग हरा क्यों हो जाती है, इनको क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं, याद रखना, इनका रंग जो होता है हरा क्यों हो जाता है, इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे हो जाते हैं। तो भाई इनमें ये हरे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है उसके कारण ही वो हरे हो जाते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, मतलब वो जो काई होती है वो एक तरह के हमारे पौधे ही टाइप में होते हैं, उनको शैवाल कहते हैं, वो हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, और वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, मतलब भोजन अपना बना खुद ही बनाते हैं। अब आपको ये पत्तियाँ दिखा देते हैं, जैसे कि ये कुछ अलग अलग तरीके की पत्तियाँ दी गई हैं, ये 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 ये, कोई कुछ में थोड़ा थोड़ा ग्रीन है, कुछ में नहीं है, कुछ बैंगनी है, कुछ अलग पीली है, पर इनमें भी क्लोरोफिल होता है, इन्होंने अलग अलग पत्तियाँ दिखाई हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे ये क्या कहते हैं, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, मतलब पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का भी संश्लेषण। तो भाई देखते हैं क्या कहते हैं, अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, मतलब हमने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें पौधे जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बो में देखो कार्बन भी निकल रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है, ऑक्सीजन को अपने अपने मन से जोड़ लेना है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में किससे बनता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। फिर कहते हैं, इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, मतलब इसका जो उपयोग होता है अन्य जो घटक होते हैं उनके संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन जो होती है हमारी, प्रोटीन नाइट्रोजनीकरण पदार्थ है, जो प्रोटीन हमारी क्या होती है, नाइट्रोजनी पदार्थ है, तो प्रोटीन कैसा पदार्थ है, नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। तो क्या होती है प्रोटीन में, क्या क्या होता है, तो प्रोटीन जो होता है हमारा नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, जिसमें क्या क्या होता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा किससे बनता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, पर हमारी प्रोटीन जो होती है वो किससे बनती है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बनती है। तो पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, अब बात करते हैं भाई, अभी तक नाइट्रोजन का तो नाम भी नहीं आया था, अब नाइट्रोजन कहाँ से आ गई, तो आपको बताते हैं नाइट्रोजन कहाँ से आई। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो आपने पढ़ा होगा हमारे जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन जो है कितने परसेंट है, 71% है, 79% है, ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, मैं थोड़े कन्फ्यूज हो गई, 71 और 79 में कुछ कन्फ्यूजन हो गया यार, मुझे पता था, सॉरी यार, ठीक है, माइंड मत करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्लिक कर गया दिमाग से अलग ही कहीं, ठीक है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में, बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते, मतलब कि नाइट्रोजन तो हमारे वायुमंडल में तो प्रचुर मात्रा में है, तो परंतु पौधे जो होते हैं इसका अवशोषण हमारे वायुमंडल से नहीं कर पाते हैं।
ये कहते हैं कि मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारी जो मृदा है, ठीक है, हमारी मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु जो होते हैं जो गैसी जो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको हमारे मिट्टी में कुछ उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। और यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर जब हमारा जल मतलब मृदा में हमारी नाइट्रोजन पहुँच गई, ठीक है, कुछ जीवाणुओं ने ऐसी क्रियाएं की जिससे जो हमारी वायुमंडल की जो नाइट्रोजन थी मिट्टी में मिल गई। मिट्टी में जब मिल गई नाइट्रोजन, मतलब हमारे जल के साथ साथ वो हमारी नाइट्रोजन भी हमारे जड़ों में आ जाती है। जड़ जब जल लेते हैं तो जल के साथ साथ नाइट्रोजन भी आ जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। मतलब ये तो आपको पता ही होगा, जो पैदावार बढ़ाने के लिए जो किसान क्या करते हैं, खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। मतलब ऐसी खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है, मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होता है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। मतलब खाद डालने से क्या हो जाता है कि ये जो नाइट्रोजन वाली खाद डालने से क्या होता है कि नाइट्रोजन की जो आपूर्ति होती है वो पूरी हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संगठकों जैसे प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं। इसके साथ ही साथ ये मतलब अन्य संगठक जो होते हैं प्रोटीन और वसा का भी संश्लेषण कर लेते हैं। और पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, भाई आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, आपके अभी चैप्टर के 4 पेजेस और बचे हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर जो है मैं कुछ ज़्यादा ही डीपली समझाते हुए चल रही हूँ, अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा होगा। पर ना जैसे कि अब मुझको ये चैप्टर ना 2 पार्ट्स में यानी पूरा चैप्टर तो 3 पार्ट्स में हो जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर तो एक्सरसाइज के लिए हो जाएगा, तो जो हमारा चैप्टर है पढ़ाने वाला एक और उसका एक और पार्ट बनाना पड़ेगा। मतलब 2 वीडियोस में आपका पढ़ाने वाला चैप्टर होगा और एक वीडियो में आपकी एक्सरसाइज होगी। तो भाई वीडियो लंबी हो रही है इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी कर नहीं सकते, फिर अपलोड होने में टाइम लगता है उसको बहुत ज़्यादा। फिर ये कह रहे हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, तो पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। कुछ पादप जो ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल जो होता है नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वे कैसे जीवित रहते हैं। मतलब ये कहने कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं, तो वो भोजन जो होते हैं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, मतलब भोजन बना ही नहीं सकते, फिर वो कैसे जीवित रहते होंगे, तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, फिर वो पोषण कैसे प्राप्त करते होंगे। मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। मतलब कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं, मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो वही खाना नहीं बना पाएंगे अपना, तो खाना नहीं बना पाएंगे तो हमारे जैसे हो जाएंगे, मतलब वो क्या करेंगे दूसरों पे निर्भर करेंगे, दूसरों के भोजन पे निर्भर करेंगे, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, विषमपोषी प्रणाली कहेंगे। फिर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की रस्सी दिखाई देती है, ये अमरवेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। मतलब क्या कहते हैं कि आपने एक रस्सी, जैसे कि ये पेड़ दिखाया गया है, कुछ पेड़ आपने देखे होंगे उस पर मतलब कि अजीब सी पेड़ रस्सियाँ ऐसी आपने देखी होंगी पीले कलर की, वो क्या कहते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इनको क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये अमरबेल होती हैं और इनमें क्लोरोफिल जो होता है वो होता ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं, जिस पेड़ पे पड़े होते हैं, जैसे कि इस पेड़ पर ये पड़े थे, जिस पेड़ पे पड़े होते हैं उसी से भोजन लेते हैं, और ये जिस पर ये आरोहित होते हैं, मतलब जिन पे आरोहित होते हैं उन पेड़ को क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं, क्योंकि जैसे इस पेड़ से ये भोजन ले रहे हैं, ठीक है, इस पेड़ पर पड़े हैं तो इसी पेड़ से ये भोजन लेंगे। फिर कहते हैं क्योंकि ये अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। मतलब ये कहते हैं क्योंकि अमरबेल जैसे पादप जो होते हैं, अमरबेल जैसे जो पेड़ हैं और भी परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, तथा इन्हें परजीवी कहते हैं।
ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं कि जिस पेड़ पर पड़े रहते हैं उसी को चूसते रहते हैं, समझ लो उनकी चीज़ें खाते रहते हैं, समझ लो उनकी पावर जो होती है वो लेते रहते हैं। तो इसको तो इन्हें क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो अमर बेल है दूसरों पर जीवित रह रही है, मतलब परजीवी है। फिर क्या करें हम, क्या हम एवं अन्य जंतु, ठीक है। चलिए आगे अगले पेज पे चलते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु जो भी एक प्रकार के परजीवी हैं? तो भाई हम लोग भी एक प्रकार के परजीवी, क्योंकि हम दूसरों पे ही निर्भर करते हैं। आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। भाई अब पहली क्या कहती है देखते हैं। पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू, जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? भाई जो किसी चीज़ को चूसेगा, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर रहेगा, खटमल हैं, जू हैं, ये तो हम पर ही तो निर्भर करते हैं, हमारा ही खून पीते हैं। भाई मेरे आसपास ऐसी चीज़ें हैं नहीं, मैं बात कर रही हूँ मनुष्य की, ठीक है। तो भाई तो क्या है कि तो वो भी परजीवी हुई है, तो अमर बिल भी परजीवी है, किसको चूसती है, पेड़ों को चूसती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं मच्छर वगैरह, ये हम लोगों को चूसते हैं, तो ये भी परजीवी हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचास जाते हैं। यह विस्मयकारी नहीं है, ऐसे पौधों को हरे अथवा अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। तो इस बारे में ना मैं कल पढ़ूंगी, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि आज मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं। तो ये सारी बातें अब नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। भाई आपसे फिर से एक ही बात कहनी है, पढ़ाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, पूरा बहुत मतलब मेहनत लगती है, आप इतना समझ लीजिए। तो भाई आप मेरी गुरु दक्षिणा दे दीजिए। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स लोगों से भी कहना है, किसी तरह को आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को भी लाइक करिए। और एक और बात यार, कमेंट भी कर दिया करो, कुछ बच्चे करते हैं कुछ बच्चे नहीं करते हैं, पढ़ते तो बहुत सारे लोगों, तो प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करो। कमेंट करने से क्या होगा, आप जो कमेंट करोगे वो आप कभी भूलोगे नहीं। कमेंट करने मेरा कुछ नहीं फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, जिस जो चीज़ मैं पूछती हूँ उसके जवाब दे दिया करो, क्योंकि वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे, ठीक है। तो जाने से पहले एक और बात आपको बतानी है, तो बात सुन के जाइएगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय करने से पहले आपको एक बात भी तो बतानी है यार, ठीक है, फिर जाना। तो भाई आपको ये इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है कि जो हमारा चैनल है इस पर एक ऑफ़र चल रहा है। क्या करना होगा आपको, सिर्फ एक महीने तक आपको हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जिसके एक महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है, उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट कुल 10 लोगों को मिलेगा, उनकी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा। और आपको बता दें रैंक उन्हीं की बनेगी जो एक दिन में 15 से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो 15 से कम शेयर करेगा, चाहे 14 ही कर रहा हो, तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। तो अगर आप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो 15 से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा एक दिन में, और 15 से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फ्री में गिफ्ट चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये तो हो गई भाई, और इसका रिज़ल्ट जो होगा 5 जुलाई को होगा। और आपको बता दें जब आप हमारे चैनल को जाएंगे, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा उसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो भाई हमारे चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी। और फिर आप जब चैनल पर जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के अदर 3 चैनल मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल क्रिएटिव चैनल है जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, आपको क्रिएटिव बनाएंगे, ठीक है। क्रिएटिव होना भी एक कला है जो आपका माइंड को बढ़ाती है। तो इन चैनल्स में क्या है, पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। और दूसरा जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, जिनमें उन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे क्या उनको एक साथ कैसे सिखाया जाए। और तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो, घर की बेकार चीज़ों से, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन, टिशू पेपर हुए, इनसे, ठीक है। तो भाई ये तो बात हुई हमारी।
और दूसरी बात ये है कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, तो गुरु दक्षिणा देना आपको ज़रूरी है, ठीक है भाई। पैसा नहीं मांग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलते हैं, ताकि आपको हमारी क्लासेस का पता चलता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।